ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूँ आपके साथ छिमछिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत की। माघशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं। माघशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण का माह है और इस माह में पड़ने वाली दोनों एकादशी व्रतों का बहुत ही विशेष महत्व है। कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी थी और अब जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को हम गीता एकादशी के नाम से भी जानते हैं। क्यों इसे हम गीता एकादशी कहते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं बताने जा रही हूँ एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, किस तारीख को हमें व्रत रखना है, व्रत की पूजा विधि क्या होगी, व्रत में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और मोक्षदा एकादशी गीता एकादशी के दिन क्या वो विशेष उपाय है और क्या वो कर्म है जो हमें जरूर करने चाहिए। आपको एकादशी व्रत की कथा भी मैं अलग से एक वीडियो के जरिए दूंगी क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये तमाम जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। तो वीडियो अंत तक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैं देने जा रही हूं। अगर चैनल पर दोस्तों नए आए हैं तो इसी तरह हर व्रत त्योहार और उनसे जुड़े हुए उपाय और विशेष कार्य, दान पुण्य के कर्म हो या अन्य किसी प्रकार के कर्म, आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके पर जरूर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं माघशीर्ष माह की जो एकादशी मोक्षदा एकादशी पड़ रही है वो पड़ रही है 25 दिसंबर को। मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है? मोक्षदा एकादशी दोस्तों बहुत विशेष महत्व रखती है। सभी व्रतों में हम जैसा जानते हैं एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व होता है, सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है। दोस्तों, हर एकादशी व्रत अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। मोक्षदा एकादशी की अगर हम बात करें, माघशीर्ष माह की इस एकादशी का विशेष महत्व ऐसे हो जाता है कि इस एकादशी के करने से मनुष्यों के समस्त पापों का नाश होता है और उसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों के निमित्त अगर हम ये व्रत करते हैं तो पितरों की आत्मा तृप्त होती है और नर्क की यातनाएं अगर किसी कारणवश पितर झेल रहे हो उनसे उन्हें मुक्ति मिलती है। तो पितरों के निमित्त भी हम इस व्रत को जरूर करते हैं, अपने लिए तो करते ही हैं और अगर पितर प्रसन्न हो दोस्तों तो हम सभी जानते हैं हमारे जीवन में जो भी समस्याएं कष्ट होते हैं उनका हरण वो कर लेते हैं और हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का एक और विशेष महत्व है, विशेष महत्व ये है कि इसी एकादशी के दिन महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डर रहे थे, कतरा रहे थे, उनकी भावनाएं ऊपर आई, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके ज्ञान चक्षु इसी दिन गीता के उपदेश से खोले थे। इसी वजह से जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि मोक्षदा एकादशी को गीता एकादशी कहते हैं, इस एकादशी को हम गीता एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। मोक्षदा एकादशी के करने से ऐसा माना जाता है, अब साल के सभी एकादशी जैसे 24 एकादशी होती हैं आम तौर पर और जिस साल में अधिक मास 26, अगर आप नहीं कर पाते चुनिंदा एकादशी करते हैं उनमें आप एक मोक्षदा एकादशी भी करें, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही गंगा स्नान अगर आप साल में नहीं कर पा रहे हैं ऐसे जगह पर रहते हैं तो उसका पुण्य भी आपको मिल जाता है। तो इस एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व है। दोस्तों, अब मैं आपको देती हूं एकादशी व्रत की तिथि, मैंने आपको बताई 25 दिसंबर को करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है आपको 24 दिसंबर को रात में 11:17 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 25 दिसंबर को रात्रि 1:54 पर। तो आपको जो एकादशी का व्रत है वो 25 तारीख को रखना है।
दोस्तों मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि मैं आपको बता दूं, सभी एकादशियों की तरह इस दिन भी हम श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं और जैसा मैंने बताया भगवान श्री कृष्ण की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है। तो श्री हरि की आराधना के लिए हम सुबह एकादशी के व्रत में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत शुभ कार्य माना जाता है। उठने के बाद स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर हम सबसे पहले व्रत का संकल्प लेते हैं और इसके बाद विधिवत पूजन अर्चन में श्री हरि श्री कृष्ण भगवान के जुटते हैं मोक्षदा एकादशी के व्रत में। इस दिन आप एक पीला वस्त्र पाटे पर बिछाकर भगवान श्री हरि, अगर श्री हरि की मूर्ति फोटो प्रतिमा है आपके पास, भगवान कृष्ण की फोटो मूर्ति प्रतिमा है, आप उनको स्थापित करें, उनको पीले वस्त्र अर्पित करें। विधि विधान से आप चाहे पंचोपचार पूजन करें, दशोपचार पूजन करें। श्री हरि और भगवान कृष्ण की पूजा में हम पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। एकादशी के व्रत में दोस्तों हम पीले रंग का भगवान को सब कुछ अर्पित करते हैं, पीले वस्त्र अर्पित करते हैं, पीले पुष्प अर्पित करते हैं, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करते हैं। खास तौर पर महत्व होता है श्रीहरि की पूजा में तुलसी पत्र का। मोक्षदा एकादशी में बहुत महत्व रखता है तुलसी की मंजरी को अर्पित करना। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आप तुलसी की मंजरी भगवान श्री हरि को, भगवान श्री कृष्ण को जरूर अर्पित करें, उन्हें पीले नैवेद्य भोग में चढ़ाएं। तो विधि विधान से धूप दीप के बाद आरती करके विधि विधान से पूजन अर्चन करें। किसी भी एकादशी व्रत में दोस्तों कथा का विशेष महत्व होता है, तो कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। आपके लिए मैं कथा अलग से शेयर करूंगी। पूजा की जो विधि आपको रखनी है और पूजा में जो भी आपको सामग्री चाहिए, इन सब पर मैंने एक वीडियो सभी एकादशी व्रतों में जो सामग्री चाहिए उसका वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है। उस वीडियो को भी आप जरूर देखें कि मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि आपको कैसे रखनी है और किन सामग्रियों की आपको जरूरत पड़ेगी। इस दिन बहुत ही विशेष महत्व रखता है गीता पाठ करना। तो इस दिन आप गीता का पाठ जरूर करें, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से गीता के उपदेश निकले थे। तो बहुत फलकारी होता है इस दिन समस्त पापों के नाश के लिए गीता पाठ करना, या फिर आप श्रवण भी कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी एकादशी व्रत में व्रत के नियमों का पालन बहुत जरूरी है। तो मोक्षदा एकादशी व्रत जब आप कर रहे होंगे, नियमों का पालन आपको दशमी तिथि से ही करना है। दशमी तिथि को आपको क्या करना है, दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना है, दशमी तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दशमी तिथि को एकादशी व्रत में ऐसा माना जाता है कि संध्या काल के पहले ही भोजन कर लें, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस दिन हम व्रत कर रहे हैं उस दिन हमारे शरीर में अन्न का एक दाना ना हो। एकादशी व्रत वाले दिन किसी भी तरह के अनाज को ग्रहण करने की मनाही होती है। आप इस दिन अगर जरूरत पड़े, एकादशी व्रत आम तौर पर लोग सिर्फ जल के साथ करते हैं, निर्जला करते हैं, लेकिन अगर नहीं संभव है तो आप फलों के साथ कर सकते हैं, फलाहार आप कर सकते हैं, चाय पानी आप ले सकते हैं, लेकिन इस दिन अन्न का भोजन नहीं करना होता है। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद व्रत का पारायण करना होता है। आप फल से कर सकते हैं, तुलसी पत्र से कर सकते हैं और उसके बाद आप शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे। एकादशी के एक दिन पहले जैसे मैंने बताया ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है, शुद्ध सात्विक भोजन आपको इन तीनों दिवसों में जरूरी है। आपको तामसिक भोजन इन तीन दिवस में नहीं करने चाहिए अगर आप भी एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी व्रत के बाद दान का बहुत विशेष महत्व होता है। तो जिस दिन आप व्रत में हैं, अगले दिन पारण के पहले आपको दान के लिए धनराशि आप निकालना चाहते हैं आप निकाल दें, आप अन्न निकालना चाहते हैं अपने अन्न भंडार से आप वो निकाल दें, किसी ब्राह्मण को आप दान दें। बहुत ही महत्वपूर्ण है एकादशी व्रत में दान का देना। एकादशी व्रत में अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं, बहुत विशेष महत्व हो जाता है पवित्र नदी तालाब सरोवर का। अगर नहीं कर पाते तो घर के स्नान में आप गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर आप उससे भी स्नान कर सकते हैं। तुलसी पत्र का विशेष महत्व है। तो एकादशी व्रत में आप श्री हरि के चरणों में तुलसी पत्र जरूर रखें। आप प्रसाद में भी तुलसी पत्र तुलसी दल जरूर भोग में रखें। बहुत ही विशेष फल इसका मिलता है क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है।
दोस्तों मोक्षदा एकादशी में गणपति की भी पूजा का विशेष महत्व होता है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन भगवान विष्णु के साथ उनके ही अवतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना जरूर करें। इस दिन का एक उपाय मैं आपको बता देती हूँ जो आपको जरूर करना चाहिए। मैंने पहले भी जिक्र किया लेकिन ये एक ऐसा उपाय है जो मोक्षदा एकादशी के दिन आपको जरूर करना चाहिए, यह मैं आपको दोहरा के बता रही हूँ। इस दिन आप भगवान को तुलसी पत्र तो अर्पित करते ही हैं, जो तुलसी की मंजरी होती है वो जरूर अर्पित करें। इससे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होती है। आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट है, कष्ट है, दुख है, श्री हरि की कृपा से वो सभी समाप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल होता है और जीवन में हर दिशा में आपको तरक्की ही तरक्की मिलती है। तो दोस्तों इस मोक्षदा एकादशी आपको इसी तरीके से पूजा करनी है। जो उपाय मैंने बताया है वो आपको अपनाने चाहिए और जो नियम है उन नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर दबा लें ताकि ये जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आगे दोस्तों, परिवारों, रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी दोस्तों।